हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में किन चीज़ों के लिए इशूज़ बने हुए हैं वो भी आपको पता है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो इशूज़ हैं वो पेमेंट को लेकर है, और आप लोग जानते हैं कि पेमेंट का इशूज़ बहुत बड़ा है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, लॉन्ग टाइम हो चुका है, लोग अपने पेमेंट को नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से उनको जो अपडेट मिली है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको इतने सारे प्रॉमिसेस किए गए। इन्वेस्टर्स का कहना है कि कोई भी प्रॉमिस पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर हमसे प्रॉमिस किया गया था कि आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा और इतना टाइम लगेगा, ईद के बाद मिल जाएगा, रमज़ान के बाद मिल जाएगा, या जो है बकरीद के टाइम पर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों को जो प्रॉमिसेस किए गए तो उसको टाल मटोल कर दिया गया और उसमें हम लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया। जो इन्वेस्टर जिनको पेमेंट नहीं मिला है उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आ गई। अब जिनको पेमेंट मिला है, यानी जैसे कि डॉक्टर नवाज शेख ने कहा था कि हम अब उनके अमाउंट का कुछ हिस्सा जो है उनको दे देंगे अगर उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है और उनको कोई शादी पड़ गई या कोई बीमारी में है तो वो अपने अमाउंट का 20% ले सकता है। तो वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी थी और वो डिटेल देने के बाद आपको 20% का अमाउंट मिल जाता था। तो गाइस यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डॉक्टर नवाज शेख ने अपने तरफ से जो भी हो सका उन्होंने पूरी कोशिश की अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनके इन्वेस्टर्स कहीं भी परेशान ना हो और आसानी से वो अपना काम कर सकें। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि डेटा का इशू एक बहुत बड़ा इशू था। जो डेटा उनको सुप्रीम कोर्ट से मिलना था वो डेटा उनको नहीं मिल पाया। डेटा ना मिलने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि लोगों के जो पेमेंट थे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जिसके थ्रू ये पता कर पाएँ कि ये पेमेंट उनका है। क्योंकि बगैर प्रूफ के अगर वो पैसे को देते हैं तो फिर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता, बाद में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि जो भी डेटा हार्ड डिस्क वगैरह है वो अभी उनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो सका है, उसके लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की पूरी टीम और स्पेशली डॉक्टर नवाज शेख इस काम में कम्प्लीटली लगी हुई है और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से भी इस काम को अंजाम दिया जा सके। और उसके लिए उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस भी बनाया है या जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वो पूरे लोगों से बात कर रही हैं, ताकि जो इस काम को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाए और जो हमारे इन्वेस्टर्स के पेमेंट फंसे हुए हैं उनको उनका पेमेंट मिल सके। इस पर डॉक्टर नवाज शेख प्रॉपर वर्क कर रही हैं, अपनी टीम को भी गाइड कर रखा है, अपनी टीम को भी बता रखा है कि जो भी हो सके उसके लिए कोशिश करो। और जो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं और वो पता करना चाहते हैं तो वो कॉल सेंटर से पता कर सकते हैं, उनको उनकी जानकारी ले सकते हैं और ताकि जो उनको सही जानकारी मिल जाएगी उसके लिए भी उन्होंने पूरी फैसिलिटी बना रखी है। तो गाइस यहाँ पे कुल बताने का मकसद यही है कि अब आपको परेशान नहीं होना है। डॉक्टर नवाज शेख ने स्पेशली बता दिया है कि हम अपनी टीम के, हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हमें डेटा मिल जाएगा और सभी के पेमेंट भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए कोई भी कंफ्यूज ना हो, और उसके लिए मैं भी आगे भी बिजनेस प्लान कर रही हूँ। जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट करके अर्निंग भी कर सकता है। अब जो प्लानिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी कि उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए जो ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।